दोस्तों, ईमानदारी जिहड़ी है वो कमाउणी बहुत औखी है। ईमानदारी जिहड़ी है वो थोड़े मन नूं सुकून दिंदी है। गलत तरीके नाल बहुत लोग पैसे कमा लैंदे है, प्रॉपर्टियां नजायज कब्जे कर लैंदे है। बाहरलियां अदालतां, बाहरलियां कचहरियां, वधिया वकील करके बाहरलियां कचहरियां चो बरी भी हो जांदे ने, पर जिहड़ी कचहरी मन दे अंदर लगदी है सच वाली, उहदे चो कोई जमानत नहीं मिलदी उहनां नूं। उहनां दे मन च डर बणिया ही रहिंदा है, मैं अज ना फड़िया जावां, मैं अज ना फड़िया जावां। पर वो कहिंदे आ वी दुनिया फिर किसे ना किसे तरीके नाल तां चलदी है, सारे लोग इक्को जिहे नहीं हुंदे। मेरे आले दुआले जो दो होनहार मुलाजम बैठे ने पीआरटीसी दे, डिंपल कुमार एक कंडक्टर ने पीआरटीसी च, सुखचैन सिंह एक ड्राइवर ने पीआरटीसी च। पिछले दिन तुसीं खबर देखी होनी, पढ़ी होनी कि एक किसान, उन्हें ट्रैक्टर लेना सी, वो अपना पैसों का बैग लेके चढ़िया ते वो बैग जिहड़ा है वो भुल गया बस च, बस अगे चली गई। बाद दे विच संपर्क किया गया इन्हां वल्लों, जो बैग इन्हां नूं मिलिया तां उन्होंने सारे पैसे जिहड़े ने इन्हां दो मुलाजमान ने उहनूं वापस कर, 4,30,000 तों उपर पैसे सीगे। ते बाकी इह दस्सणगे कि किवें उह हड बीती, किवें होया उह घटना, ते इन्हां ने किवें अज दे जमाने च ईमानदारी की एक मिसाल पैदा की। मैं डिंपल कुमार जी, पिंड मेरा घराचों है डिस्ट्रिक्ट संगरूर दे विच। मैं पीआरटीसी दे विच पिछले 6 सालों तो जॉब कर रहा जी। मेरे पिता जी साइकिल मैकेनिक ने, वह साइकिलों का काम करते ने, ते पर मैनू उन्होंने सिर्फ इको ही गल दसी है भी नेकी दे राह ते चलना, बेशक अद्धी रोटी खा लो जिदे नाल तुहाडे मन नूं सुकून मिलूगा। ते उसे उन्हां ही राह दे उत्ते चलदे ने असीं अपनी पूरी मेहनत दे नाल पीआरटीसी नूं अगे लैके जाण की कोशिश कर रहे हां, जिदे दौरान सानू 1 तरीक नूं साडे नाल इक सवारी चढ़ी। उस सवारी दे लवे उहनां दा बैग सीगा, बैग उह अपना गड्डी दे विच रख के साइड ते खड़ गए, ते किसी तरीके उहनां दा जिहड़ा बैग सीगा उह उहनां नूं दिखिया नहीं हैगा, किसी होर सवारी ने अगे करता सी ते उह बैग विच गड्डी दे रह गया। ते जदों सानू पुछया वी साडा बैग रह गया, उह असीं ने उहनां नूं दस्सिया वी जे होया तां सानू जरूर देवांगे, ते असीं गड्डी अपने अपने रूट ते लै गए। ते उस तों बाद फिर जदों उहनां दी साडे लवे कॉल आई, असीं चंडीगढ़ पहुंच चुके सीगे। चंडीगढ़ पहुंच के सानू कहिंदे वी तुहाडी गड्डी च कोई बैग वगैरा रह गया तां दस्सिओ। मैं अपने ड्राइवर नाल संपर्क करके उहनां नूं दस्सिया, उह कहिंदे वी मैं चैक करके दस्सदा। उहनां ने देखिया वी गड्डी दे विच बैग है, फिर असीं उहनां नूं कॉल करी उहनां दे नंबर ते, उस नंबर ते दस्सिया वी तुहाडा बैग साडे लई हैगा, वी तुसीं जिहदे विच दस्सो वी है की सी, क्योंकि असीं चाहुंदे सीगे कन्फर्म करके वी बैग किते गलत बंदे दे हत्थ नाल चला जावे, वी जिस बंदे दी प्रॉपर्टी है उह असल विच उसे बंदे दे हत्थ नाल जावे। उस बंदे ने दस्सिया भी मेरे बैग दे विच तकरीबन 4,30,000 रुपया कैश है। असीं उह कैश नूं गिणिया, फिर असीं कहा भी होर कोई निशानी, उहनां ने दस्सिया भी साडे बैग दे विच इक पर्स है, विच कपड़े ने, पर्स दे विच तकरीबन 2,500 रुपया। असीं कहा भी तुहाडे पर्स असीं खोलिया, उहदे विच सानूं फ्रंट ते 500 रुपया दिखिया, असीं कहा वी इह च सिर्फ 500 रुपये ही है। उह कहिंदे जी तुसीं अंदरली जीब चैक कर लो, वी उहदे विच 2,000 रुपया होर है, 500 दे 4 नोट है। असीं जदों खोलिया उहदे विच वाकई 2,000 नोट होर सीगे, ते असीं ने उस चीज़ नूं कन्फर्म करके उहनां नूं कॉल कीती वी तुहाडे पैसे साडे लवे होण चाहे तुहाडे लवे होण उह सेफ ने, वी तुसीं कन्फर्म मतलब कि सवेरे सानूं 1:30 बजे दफ्तर मिलियो पटियाला पीआरटीसी दे विच, असीं तुहाडे उत्ते पेमेंट है जिहड़ी उह तुहाडी कर देवांगे। ते उह दूसरे साडे ते तसल्ली कर ली उहनां ने इस चीज़ दे विच, ते साडा नंबर लै के दूसरे दिन मैं उहनां नूं कॉल कीती वी मेरी ड्यूटी 7 साल लगी हुई है, मैं 2/16 7 चलना, इसे कारण मैं आ नहीं सकदा, ते मेरा ड्राइवर आऊगा वी उह तुहानूं सारी पेमेंट कर जाऊगा। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ
इस तरह नहीं, क्योंकि की पता है वह बेचारा कहड़िया सोचा च होगा, कितों पैसे लिया होगा। कई बार मन इधर उधर हो जाता, पर फिर भी जो उन्होंने पैसे माप वापस मिल गए तो इन्होंने एक दिन पैसे संभाल के भी रखे। तो इस गल मैं इन्हों की शलाघा करदा, तो पंजाब सरकार वालों इन्हों एक प्रशंसा पत्र भी मिलेगा। तो इस तरह ड्यूटी करते रहन, लोगों की सेवा करते रहन। सत श्री अकाल।